पहले विधायक अजय राय, कहा भुजाओं में बल होने से बनता है कोई बाहुबली। उत्तर प्रदेश के वाराणसी पिंडरा विधानसभा के बाहुबली विधायक अजय राय इन दिनों अपने राजनीतिक दौरे पर मुंबई में हैं। इस दौरान उन्होंने मुंबई और ठाणे में रहने वाले पिंडरा वासियों से अंधेरीपुर के होटल होस्ट में मुलाकात की। बता दें कि भाजपा में 3 बार विधायक रहे अजय राय निर्दलीय चुनाव लड़कर भी जीत हासिल कर चुके हैं, जिस वजह से इनकी गिनती वाराणसी जिले के सबसे लोकप्रिय नेताओं में की जाती है। अपने क्षेत्र के बाहुबली कहे जाने वाले अजय राय ने पिछली लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को करारी टक्कर दी थी, जिसके बाद वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सबसे तेज तर्रार नेता के रूप में उभर कर सामने आए। यह पूछे जाने पर कि मुंबई में भाजपा का प्रभाव होने पर आप किस तरह कांग्रेस को आगे ले जाएंगे, इस पर 5 बार के विधायक अजय राय ने पिंडरा वासियों की सेवा को आधार बनाते हुए कांग्रेस को आगे ले जाने की बात कही। देखिए, बाहुबली जो लोग कहते हैं, अगर मेरे बाहु में दम नहीं होगा, मैं अगर बली नहीं रहूंगा, मेरे पास ताकत नहीं रहेगी, तो न मेरे साथ मेरा कोई अधिकारी नहीं सुनेगा और न कोई मैं विकास करा पाऊंगा। इसलिए बाहु में बल होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, जिससे अपनी जनता की हम रक्षा कर सके, अपनी जनता की सेवा कर सके। हमने उसके लिए पीछे नहीं कभी हटते। हमारा तो ये परिवार का एक वातावरण है, आप देखिए सभी पार्टीज के लोग हैं और कोई पार्टी की लाइन पे कोई बात नहीं, ये पारिवारिक माहौल है। निश्चित तौर से हम अपने लोगों से मिलते जुलते रहते हैं और ये क्रम चलता रहा। बीच में थोड़ा सा ब्रेक पड़ गया था, इस नाते कि मेरे ऊपर तमाम दिक्कतें थी, तमाम तरीके से मुझे परेशान किया, इस नाते थोड़ा सा व्यतिक्रम था, नहीं तो मेरा तो लगभग साल भर में एक बार आना जाना हो जाता था। इस बार थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। ऐसे में देखना है कि वाराणसी के बाहुबली अजय राय का या मुंबई दौरा उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में कितना रंग लाता है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ विनोद यादव, सुर्खियां।